दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा जरूर होता है जिसके तार भले ही बीते हुए कल के साथ जुड़े हों, लेकिन आज भी उसे याद करके पछतावे के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। इस खास वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की धक धक डॉल माधुरी दीक्षित की जिंदगी के उस हिस्से से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका पछतावा उम्र के इस पड़ाव पर जाकर भी माधुरी दीक्षित को है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माधुरी हिंदी सिनेमा जगत की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। कई फिल्मों में वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह विलन से लड़ती दिखाई पड़ी तो कई फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी रोल प्ले किए, तो वहीं कई बार पर्दे पर माधुरी बोल्ड भी नजर आई। ऐसे में अगर उनके पर्दे पर दिए गए बोल्ड सीन्स पर चर्चा करें तो एक फिल्म ऐसी है जिसे खुद माधुरी भी कभी भी याद नहीं करना चाहेगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिल्म दयावान की, जिसमें माधुरी के साथ दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म के साथ एक विवादित किस्सा जुड़ा हुआ है। विनोद खन्ना को लेकर ये हमेशा कहा जाता है कि फिल्मों में रोमांटिक सीन्स करते हुए वो इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल होता था। ऐसे में फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ एंटीमेंट सीन करते हुए विनोद इतने बेकाबू हो गए कि माधुरी की हालत उन्होंने खराब कर दी। फिल्म रिलीज होने के बाद इस सीन के लिए माधुरी की खूब आलोचना हुई। विनोद खन्ना के साथ ऐसे सीन पर माधुरी को आज भी पछतावा है। आपको बता दें, फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्टर और विनोद खन्ना दोनों पर ढेर सारे इल्जाम लगाए। माधुरी विनोद खन्ना से उम्र में 21 साल छोटी थी, ऐसे में उनके सीन्स पर लोग काफी भड़के। तो दोस्तों, माधुरी और विनोद खन्ना के इस हॉट सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई मसालेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।